नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दे, ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। रेवाड़ी की फिदेडी में बनाई गई कोविड जेल में से शनिवार रात को एक बैरक की ग्रिल को काटकर 13 बंदी फरार हो गए। सुबह बंदियों की गिनती होने लगी तो मामले की जानकारी मिली। घटना की सूचना मिलने के बाद SP अभिषेक जोरवाल खुद मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी जुटाई। दरअसल रेवाड़ी जिला के गांव फिदेडी में नई जेल बनाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिदेडी जेल को करीब सप्ताह भर पूर्व प्रदेश की कोविड जेल बना दिया गया था। इस जेल में प्रदेश भर की जेलों से शिफ्ट करके करीब 493 कोविड संक्रमित बंदियों को रखा गया है। शनिवार की रात को एक ही बैरक में बंद 76 में से 13 बंदी ग्रिल काटकर बाहर निकलाए और चादर की रस्सी बनाकर जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। फरार हुए सभी बंदी संगीन धाराओं के तहत बंद थे। सुबह बंदियों की गिनती करने के दौरान 13 बंदी फरार होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूत्रों से पता चला कि रात के वक्त जेल में ड्यूटी पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था और जेल वार्डन और SPO के भरोसे ही काम छोड़ रखा था। पुलिस की टीमें जिला भर में फरार बंदियों की खोजबीन में जुटी हुई है। आसपास के गांवों में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने SHO थाना सदर भारत भूषण व अभिषेक जोरवाल SP रेवाड़ी से बात की। तो आइए चलते हैं संवाददाता राजेश शर्मा के पास। ये 13 कैदी हैं, जिनमें से 4 तो रेवाड़ी पुलिस के ने पकड़ रखे थे, उन रेवाड़ी के केसेस के अक्यूज हैं। बाकी जो महेंद्रगढ़ के हैं, महेंद्रगढ़ के केसेस के अक्यूज थे, क्योंकि ये कोविड डेडिकेटेड कोविड जेल बना रखी है। तो जितने भी हरियाणा के कोविड पॉजिटिव अंडर ट्रायल्स आए हैं उनको यहाँ ला के रखा गया है। अभी ये जेल अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसमें कई खामियाँ भी हैं। जो आउटर वॉल है वो पूरी तरीके से बनी नहीं है, तो इन जो अक्यूज 13 भागे हैं उनमें से कई मतलब मर्डर के, 307 के, डकैती के और एक दो चोरी चकारी के केसेस वाले अक्यूज हैं। तो इनके लिए SP महेंद्रगढ़ को भी हमने लिस्ट दे दी है। बाकी हमारी भी जो दोनों CI हैं उन्होंने 4 टीमें गठित कर रही हैं। उसके अलावा जो कंसर्न SHO है उनको भी लिस्ट दे दी है, जिससे कि इनको जल्द से जल्द दोबारा पकड़ा जा सके।